तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं चांद बाइकर। आज हम ऐसे शख्स से आपसे मिलवाने वाले हैं जो आप देखकर दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, पूरे हिंदुस्तान क्या विदेशों में भी उनका डंका बजता है, लोग जानते हैं उनको। ऐसे इंसान से हम आपकी रूबरू कराने वाले हैं और आप देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि वो शख्स जिनके दोनों हाथ नहीं है वो ऐसा भी काम कर सकते हैं। और आज लोगों के दो दो हाथ होते हुए भी लोग मेहनत और काम करने में शर्म करते हैं। हम ऐसे व्यक्ति को आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो एक अपने आप में एक मिसाल है और यहाँ तक भी कह सकते हैं कि लोग उनको देखकर अपना एक आदर्श मानते हैं। जितेंद्र दिव्यांग जो काफ़ी फेमस चेहरा है, तो चलिए उनसे बातें करते हैं कि उनके जीवन काल में क्या घटा और क्या ऐसी घटना हुई कि आज वो इस तरह से हैं और वो काम करते हैं जो दो दो हाथ वाले काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सर से मिलते हैं। जितेंद्र दिव्यांग हमारे साथ हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो ज़िंदगी में इन्होंने आज दो दो हाथ रहकर भी लोग आज परेशान रहते हैं और कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोगों के लिए एक मिसाल है। और हम जानना चाहते हैं कि आप कैसे ये ऊर्जा अपने अंदर लाते हैं और इतना जो है काम जो दो दो हाथ वाले नहीं कर पाते हैं वो आप कर सकते हैं। सच्चाई है कि देखिए, ज़िंदगी में ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा तो ही चीज़ सिखा सकते हैं जी। या तो खाली पेट में तो खाली जेब जी, दो ऐसी चीज़ें हैं कि आपको हमेशा करंट कर रहे हैं। एक दो चीज़ें के लिए ही हम वहाँ से हाँ यहाँ से वहाँ भटकते हैं, क्या समझते हैं जी। तो मैं भी कहा, जमाना हुआ करता था कि चला जीने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, चलने के लिए पैसा नहीं था, सब कुछ पैसा। एक एक हफ्ता स्टेशन पर ऐसे ही सोया रहता था, बिल खाए कोई देर रात खा लेते थे, पैसे ही रहते थे। तो ज़िंदगी है सर बहुत कुछ, लोग आप देख रहे हैं ना कि ना, अरे बाप रे बाप, जितेंद्र तो उड़ रहा है, लेकिन उड़ने के पीछे जो हुआ है जी वो कोई नहीं जानता जी। अगर किसी से कह लिया जाए कि अतीत, हर एक इंसान के पीछे कोई ना कोई अतीत है, उस अतीत को लोग नहीं समझते। यही चीज़ है सर। तो सब ये करें कि आपको क्या हुआ कि आपने कहा कि मेरे को यूट्यूब जो है कि ज़िंदगी दे सकता है, मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, कहाँ से सोच आया, किससे आपने प्रेरणा ली? यूट्यूब आज यूट्यूब चल रहा है ना, इससे पहले भी मैं जीता था जी, और इससे पहले भी ऐसे ही जीता था जी, नौकरी करता, नौकरी अब यूट्यूब पे आया तो नौकरी छोड़ दिया जी। हर ज़िंदगी है, ज़िंदगी को कुछ कहा नहीं जा सकता। यूट्यूब के आने के बाद तो जैसे लगा कि सब कुछ है। और यूट्यूब पे इसलिए मैं नहीं आया कि यूट्यूब पे मैं जाऊँगा, दूसरे का बाइक करूँगा, दूसरे लोग का क्या है। तो यूट्यूब पे आने का ज़्यादा श्रेय यही हुआ कि लोगों को, जैसे लोग का हताश निराश हो जाते हैं किसी बात को लेकर, मतलब किसी भी परिस्थिति में, देखिए मरना बहुत आसान है, आप मर जाएंगे दो मिनट में, लेकिन यह किसी भी परिस्थिति में जी के आप दिखाओ असली ज़िंदगी तो है। जैसे कभी कभी होता है ना कि नौकरी ना मिलता तो लड़के आकाश हो जाते हैं और घर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, उससे लोग मतलब हताश हो जाते हैं, रहता है। तो जैसे सर हम ये चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जिनके दो हाथ हों और आप सर आप देख सकते हैं ब्यूरो इनके दोनों हाथ नहीं है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए दर्शक चाहे जो भी, जो पब्लिक देख रही है, पब्लिक समझदार है, कोई देखिए इस जमाने में कोई इस तरह से नहीं, सभी लोग समझदार है। बट क्या है कि अब कोई लोग जैसे होता है ना, कुछ लोग चलते चलते निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। तो हम कहते हैं कि कोई भी कार्य करिए, तन मन धन तीनों लगा के करिए, नहीं करेंगे और किसी भी चीज़ को अब ये सोचेंगे कि तुरंत रिजल्ट हो, तो कभी कभी रिजल्ट नहीं होता है जी। बहुत इसके लिए मशक्कत करना पड़ता है, कभी कभी तो लगता है कि हटाओ फोड़ देंगे। तो अक्सर आप देखे होंगे कि लास्ट बाल में ही छक्का मारा, मतलब जीत जाता है, तो खिलाड़ी है। आज अक्सर मैं बता दूँ लोगों के लिए कि खिलाड़ी कभी शोर नहीं करता है, शोर पब्लिक करती है। आप अच्छा काम करेंगे चाहे बुरा काम करेंगे, लोग कहेंगे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन उसके बाद जब उसका रिजल्ट होता है ना भाई साहब, तब लोगों को समझ में आता है। जैसे हमको लोग ऐसे जो निकम्मा समझते थे, ये समझते थे क्या करेगा कैसे, आज वही लोग सेल्फी लिए अकेले ये करते हैं, ऐसा कुछ करना। तो आपने सुना हमारे जो जितेंद्र दिव्यांग
जो थे हमारे एक आइडियल भी है और हम इनको आइडियल भी एक मानते हैं। तो लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि जो आप देख सकते हैं कि एक जो जिनके हाथ में है वो कैसे भी अपना खा भी लेते हैं। तो लोगों को ये चीज़ मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर वो हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नई वीडियो एक नई जगह पे, तब तक सभी दर्शकों को धन्यवाद।